फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हुडिया और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो एक बहुत ही आम समस्या है। वो है पथरी की समस्या, यानी कि किडनी स्टोन के बारे में। शरीर में पथरी यानी कि स्टोन होना कॉमन है और किडनी की बीमारियों में पथरी होना दूसरी सबसे आम समस्या है। जब ये पथरी बन जाती है तब ये धीरे धीरे बढ़ने लगती है जो पेशाब के रास्ते को रोक देता है। इससे किडनी संक्रमण और क्लियर का रिस्क भी बढ़ जाते हैं जो परिपत्ति में एक गंभीर बीमारी का रूप भी ले सकता है। इसलिए किडनी का ख्याल रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड, आज हम आपको बताएंगे किडनी स्टोन की प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको वेस्टेज प्रोडक्ट की कौन कौन से सप्लीमेंट यूज़ करना चाहिए। तो वो सब जानने के लिए आप मेरी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर ये वीडियो आपके इंटरेस्ट का है तो सबसे पहले नीचे जाकर एक लाइक कीजिए। किडनी हमारे शरीर का एक बेहद प्रमुख हिस्सा है जहाँ ब्लड प्यूरिफायर होता है और रक्त को साफ करने के साथ साथ ये शरीर की टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालने में मदद करता है। इसे आप शरीर को साफ रखने वाली एक अंग भी कह सकते हैं जो शरीर की गंदगी को यूरिन के रूप में बाहर निकालने में हेल्प करता है। और किडनी में होने वाली सफाई सिस्टम के कारण ही हमारे शरीर में हानिकारक केमिकल मूत्र के रूप में बाहर निकल जाते हैं। किडनी में पत्थर होने का सबसे बड़ा कारण है हम सबकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल और खानपान की वजह से, जो जाने अनजाने में शरीर में बुरा इफेक्ट डाल रहा है। मोटापा, हाई ग्लूकोज, हाई सॉल्ट, हाई प्रोटीन वाले खाने से भी किडनी स्टोन हो सकते हैं। किडनी स्टोन का दर्द कई बुरे सपने से कम नहीं है। ज़्यादातर देखा जाए तो कम पानी पीने की वजह से ही ज़्यादातर लोग किडनी स्टोन का शिकार हो जाते हैं। किडनी स्टोन है किडनी के अंदर जो छोटे छोटे कठोरता बन जाते हैं जिसे पथरी यानी कि स्टोन कहा जाता है। ये ज़्यादातर किडनी में ही बनते हैं लेकिन कभी कभी यूरिनरी ट्रैक पर भी बन सकते हैं। किडनी स्टोन ज़्यादातर 20 साल से 50 साल की उम्र के लोगों को ही ज़्यादा होने को दिखता है और साथ ही महिला से ज़्यादा पुरुषों को किडनी स्टोन की खतरा ज़्यादा होती है। किडनी स्टोन की प्रॉब्लम जीन संबंधित भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए जान लेते हैं किडनी स्टोन के खतरे से बचने के लिए आपको वेस्टेज के कौन कौन से सप्लीमेंट यूज़ करना चाहिए। एलोवेरा। किडनी स्टोन की प्रॉब्लम में एलोवेरा बहुत ही बेनिफिशियल है। एलोवेरा कैप्सूल में मौजूद साइट्रेट और टार्ट्रेट किडनी स्टोन को बनने से रोकता है और जल्दी गलने में हेल्प करता है। इस एलोवेरा कैप्सूल को आपको खाना खाने के आधा घंटे बाद दिन में दो बार एक एक कैप्सूल करके यूज़ करना चाहिए। फ्लैक्स ऑयल। फ्लैक्स ऑयल कैप्सूल किडनी की स्टोन को गलने में बहुत ही हेल्प करता है और उसके साथ साथ यूरिनरी में मौजूद कैल्शियम की मात्रा को भी कम करने में हेल्प करता है। इस फ्लैक्स ऑयल कैप्सूल को आपको खाना खाने के आधा घंटे बाद दिन में तीन बार यूज़ करना चाहिए। क्रैनबेरी कैप्सूल। क्रैनबेरी कैप्सूल यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ही फायदेमंद है और उसके साथ साथ यूरिनरी में मौजूद कैल्शियम की मात्रा को भी कम करने में हेल्प करता है और किडनी के स्टोन को गलने में सहायता करता है। आप इस क्रैनबेरी कैप्सूल को दिन में दो बार खाना खाने के बाद यूज़ करें। गैनोडर्मा। गैनोडर्मा में पॉलीसेकेराइड मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर में मौजूद विषैले तत्व को बाहर निकलकर अंदर से साफ करता है। ये कैप्सूल इन्फ्लेमेशन को कम करता है जिसे तेज दर्द में राहत मिलता है। इस गैनोडर्मा कैप्सूल को आपको खाना खाने के आधा घंटे पहले दिन में दो बार इस्तेमाल करना चाहिए। फूट पैच। फूट पैच बॉडी को डीऑक्सीफाई करके बॉडी की पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है। अगर आप फूट पैच को सिर्फ रात में ही इस्तेमाल करेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस फूट पैच को आपको 5 बार करके यूज़ करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी किडनी स्टोन की प्रॉब्लम से परेशान हैं या फिर आपकी फैमिली में या रिलेटिव में, तो आप मेडिसिन के साथ साथ वेस्टेज सप्लीमेंट का इस्तेमाल करें जो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। इन सप्लीमेंट को आप 1 से 2 महीने यूज़ करके ही इसका रिजल्ट आप खुद ही समझ जाएंगे। और इसके साथ साथ जितना हो सके ज़्यादा पानी पीजिए। मिनिमम आपको पूरे दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी आपको ज़रूर पीना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज ही तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो जो लोग वेस्टेज प्रोडक्ट यूज़ करते हैं आप उन्हें ये वीडियो व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।